पश्चिमी एशिया में भारतीय वर्चस्व। मेसोपोटामिया किसी जमाने में भारतीय सभ्यता का केंद्र रहा है। उस प्रदेश में भारतवासी ही जाकर बसे थे। इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है कि यूफ्रेटिस और डाइग्रीस नदियों की सुविस्तृत घाटी में सुमेर नामक एक सुसंस्कृत जाति बसी हुई थी। वे लोग भारत से ईरान होते हुए इस क्षेत्र में पहुंचे थे और अरीदु बंदरगाह के निकट अपनी बस्तियां तथा शासन व्यवस्था कायम की। पहला राजा था अक्कुसी, यह इच्छावकु शब्द का अपभ्रंश है। महाभारत में भारत के एक प्रांत का नाम सुराष्ट्र है और उसके निवासियों को सुवर्ण बताया गया है। यह सुवर्ण सुमेर थे। सुमेर का अर्थ है अच्छी जाति। यही अर्थ सुवर्ण का भी होता है। उन दिनों भयंकर बाढ़ें आईं, भारी वर्षा हुई, जिसमें सुमेर सभ्यता के महत्वपूर्ण दुर्ग धराशाही हो गए। अब किश और उर क्षेत्रों की खुदाई में ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनमें उस क्षेत्र में बसी हुई सुमेर जाति की समुन्नत स्थिति का पता चलता है और प्रतीत होता है कि वे भारतीय धर्मानुयायी थे। सूर्य पूजा करते थे। निशपुर में विशालकाय सूर्य मंदिर था। विष्णु भगवान गरुण की भी प्रतिमाएं उस क्षेत्र में मिली हैं। इच्छावकु राजा की मुद्राएं भी उसी खुदाई में पाई गई हैं। वोनज कोई नामक स्थान पर खुदी वरुण देवता की मूर्ति मिली है। रथ ठीक उसी प्रकार के पाए गए हैं जैसे कि भारत में चलते थे। मृतकों के दाह संस्कार के भी प्रमाण मिले हैं। बोगज कोई की खुदाई में पुरातत्व अन्वेषी जर्मन संशोधक ह्यूगो विंकलर का एक शिलालेख मिला है, जिसमें प्रतीत होता है कि मेसोपोटामिया के स्थानीय भारतीय धर्मानुयायी मितानी वंशी राजा दशरथ ने भारतीय देवताओं को साक्षी देकर एक मैत्री संधि की। यह लेख ईसा से 1360 वर्ष पूर्व का है। इसमें मित्र, वरुण, इंद्र और सत्य देवताओं की वंशावली भी मिली है, जिसमें यश दत्त, सुवरदत्त, वीरदत्त, आततर्म, सुतर्ण आदि भारत वंशी राजाओं के नाम हैं। इतिहास वेत्ता हडन वान लुशन चाइल्ड के अनुसार यह लोग नार्डिक वंश के आर्य लोग थे। वे काकेशित पर्वत पार करके भारत से यहाँ आए थे और मितानी राज्य स्थापित किया था। मेसोपोटामिया की खुदाई में प्राप्त अवशेष और मोहनजोदड़ो की सिंधु सभ्यता सामग्री में भारी साम्य है। दोनों की समानता देखते ही बनती है। मितानी भाषा में संस्कृत और प्राकृतिक भाषा के शब्दों की भरमार है। एशिया माइनर के इसी क्षेत्र में एक और पुरातन वंश का विवरण मिलता है, जिसे खती कहा गया है। यह खत्री या क्षत्री शब्द का अपभ्रंश है। इन लोगों की प्रथम राजधानी तलहलफ थी। इन क्षत्री राजाओं के जो सिक्के मिले हैं उन पर सिंहारूण दुर्गा और वृषभारूण शिव की आकृति बनी है। इसी खुदाई में शिव पार्वती की बालक स्कंद समेत प्रतिमा मिली है। इकोनियम में प्राप्त शिलालेखों से उस क्षेत्र में वर्ण व्यवस्था प्रचलन तथा भारतीय भाषा का प्रसार सिद्ध होता है। ईसा के 1646 वर्ष पूर्व से लेकर 1180 वर्ष पूर्व तक 600 वर्षों में एशिया माइनर क्षेत्र में खत्री राजाओं का राज्य रहा है। मीडिया और वेविलोन के बीच जगरस प्रदेश में इन्हीं लोगों का शासन था। इन्हें कस्तर कहा जाता था, जो क्षत्री शब्द का ही अपभ्रंश है। असीरिया में मिले एक लेख के अनुसार एक क्षत्री राजा अंजु या अंशु का उल्लेख है। ईरान के यह क्षेत्र समीप पड़ता है, इसलिए वहां की भाषा और सभ्यता का भी इन क्षत्र या क्षत्री लोगों पर प्रभाव था, किंतु बहुलता फिर भी भारतीयता ही थी। वे लोग भारत से ही गए थे। सन 960 ईस्वी में मेसोपोटामिया इराक के वसरा नगर में इस्लाम धर्मानुयायियों में से एक संप्रदाय उभरा, अख्वानुसफ्फा, जिसका अर्थ होता है पवित्र संप्रदाय। इसमें भारतीय दर्शन, आचार एवं उपनिषदों के तत्व ज्ञान का आश्चर्यजनक समावेश था। उनमें हिंदुओं जैसा आश्रमों का विधान था। 50 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर इस संप्रदाय के लोग साधु जीवन में प्रवेश करते थे, उपासनारत रहते थे
और लोक शिक्षण के लिए परिभ्रमण करते थे। इस संप्रदाय का साहित्य 50 खंडों में विभक्त था। उसमें भारतीय धर्म विशेष रूप से और साधारणतया अन्य धर्मों में से जो भी कुछ मानवोपयोगी पाया गया उस सब का संकलन किया गया था। उस साहित्य को रसायल अख्वानुस्सफा अर्थात सदाशय मान्यता का साहित्य कहते थे। इसके संकलनकर्ताओं में जजानी, मुकद्दसी, अल एरोफी, इब्नीफरस आदि धुरंधर विद्वान थे। इस संप्रदाय में इस्लाम तथा अन्य धर्मों के ऋषियों तथा अवतारों का आदर करने तथा उनकी शिक्षाएं ग्रहण करने का विधान था। मोहम्मद, इब्राहिम, ईसा, बुद्ध एवं ऋषियों के लिए उनने समुचित सम्मान प्रकट करने की मान्यता को प्रश्रय दिया था और ऐसे सर्वधर्म समन्वयी महापुरुषों के अवतरण की प्रतीक्षा थी जो ईरानियों जैसे कुलीन, अरबों जैसे श्रद्धालु, इराकियों जैसे ज्ञानी, यहूदियों जैसे गंभीर, ईसाइयों जैसे प्रेमी, सीरिया वालों जैसा सरल, यूनानियों जैसा दार्शनिक, हिंदुओं जैसा तत्वदर्शी और सूफियों जैसा संत हो। उस धर्म का प्रयोजन संसार के समस्त धर्मों और वर्गों के श्रेष्ठ तत्वों का संग्रह करके एक सारग्रही, सत्यान्वेषी, सार्वभौम पवित्र धर्म की स्थापना था। इतिहास के विद्यार्थी फिनीशियन लोगों की जीवट पुरुषार्थ परायणता और संस्कृति से भली भांति परिचित हैं। किसी समय यह लोग संसार के कुशलतम और सफलतम व्यापारी समझे जाते थे। फिनीशियन द्वीप समूह सीडन, टायर आदि इन्हीं लोगों की बस्तियां थी। आक्रमणकारी इन्हें बार बार लूटते रहे किंतु उन्होंने फिर भी उसकी क्षतिपूर्ति कर ली और यथावत बने रहे। इन्हें रोमन इतिहास में प्यूनिक कहा गया है। यह जाति वस्तुतः भारत की पणी वंशीय लोगों की ही विदेश जाने वाली एक शाखा थी। पणी का ही अपभ्रंश प्यूनिक है। निरुक्त में पणी वणी गभवित पणी को वणिक कहा गया है। यह लोग व्यवसाय प्रयोजन के लिए भारत से ईरान गए थे। वह असुरक्षा देखकर वे लोग सीरिया के समुद्र तट पर जा बसे और उस क्षेत्र का नाम फिनीशिया रखा। उन्होंने उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर के द्वीप बसाए। कार्थेज भी उन्होंने बसाया। 6 लाख जनसंख्या वाले कार्थेज का व्यवसाय अभी दक्षिण यूरोप के अनेक देशों को प्रभावित करता है। पणिवंशी फिनीशियों की प्राचीन गाथा भारतीय सभ्यता की ही अनुकृति है। उनका धर्म ग्रंथ बलूस्पा ऋग्वेद का ही अनुवाद है। अभी भी उनकी मान्यताएं और प्रथाएं बहुत कुछ भारतीय आदर्शों के अधिक समीप है। किसी समय पणिवंश के लोगों की सहायता से पश्चिमी एशिया, ग्रीस, गॉल, ब्रिटेन, नॉर्वे, अरब तथा सेमिटिक लोगों में भारतीय धर्म और संस्कृति का विस्तार संभव होता था। भारत से धर्म प्रचारकों को बुलाकर वे उन्हें उस क्षेत्र में दूर दूर तक भेजने के लिए सभी आवश्यक साधन जुटाते थे। सीरिया पर ईसा पूर्व 1500 में किसानी जाति के राजा राज्य करते थे। वे मूर्ति पूजक थे। इस क्षेत्र में ऐसे शिलालेख और संधि पत्र मिले हैं जिनमें मित्र, वरुण, इंद्र आदि की आकृतियां खुदी हैं और संस्कृत भाषा में मित्रता पूर्वक रहने की प्रतिज्ञा है। पैलेस्टाइन से 7वीं सदी में एसनीज नामक एक ऐसे संप्रदाय का उल्लेख मिलता है जिसके रीति रिवाज और विचार पूर्णतया हिंदू धर्म से मिलते जुलते थे। उस संप्रदाय के संत भारतीय ऋषियों की तरह उपासना रत रहते थे और धर्म प्रचार करते थे। कुवैत के छोटे इलाके में तेल का इतना बड़ा भंडार है जितना पूरे अमेरिका में भी नहीं है। सन 1899 में जिस संधि के आधार पर कुवैत का अलग अस्तित्व बना उसको इराक ने बहुत समय तक माना ही नहीं। इराक बार बार यही कहता रहा कि कुवैत हमारा एक अविच्छिन्न प्रांत है। उसने राष्ट्र संघ में भी इस पृथकता के विरुद्ध शिकायत की थी और धमकी दी थी कि वह सेना भेजकर पृथकता को दूर करेगा। इस पर ब्रिटेन और अमेरिका ने अपने लड़ाकू जहाज कुवैत की सुरक्षा के लिए भेज दिए। उनका सामना कर सकने की क्षमता न होने के कारण इराक को अपना दावा छोड़ना पड़ा। कुवैत के शेख की आमदनी तेल से 15,000 पाउंड दैनिक है।
उनके पास बैंकों में जमा धन संसार के किसी भी धनी व्यक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक है।